आप सब की तरह मेरी भी एफएफसी मोड की तैयारी चल रही है। देखिए आज का वीडियो स्पेसिफिकली फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप 2022 के एफएफसी मोड पे होने वाला है। एंड एफएफसी मोड में एक ऐसी टीम पार्टिसिपेट कर रही है जो फ्री फायर विंटर प्रो लीग से एलिमिनेट हो गए थे, जिनसे बहुत सारे लोगों की आशंकाएं थे। जी हाँ, आप सब लोगों को पता लग गया है वो है ओरैंगुटान लीग। यस गाइस, आज का स्पेसिफिक वीडियो होगा एफएफसी मोड में ओजी लीग का क्या स्ट्रेटजी रहेगा एंड क्या वो क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के मेन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं 11.5 सब्सक्राइबर्स के, तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाना। बहुत मजा आ करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तैयारी तो हर टीम कर रही है, चाहे वो ओरैंगुटान की लीड हो या फिर हमारे अंडरडॉग टीम क्यों ना हो। अब जब वो एफएफसी मोड में इतने सारे कुछ नए नए चीजें आ रहे हैं, मैंने पहले ही कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि रिवाइवल सिस्टम जो है ऑन हो चुका है, तो दोनों अंडरडॉग टीम और टीम सेम लेवल पे, कोई ऐसा कोई यहाँ पे यू नो मैं बोल नहीं सकता कि ये खराब खेलते हैं या अच्छा खेलते हैं। बट अब ओजी लीग की तैयारी ना बहुत जोर शोर से चल रही है, बहुत लोगों ने कहा एंड एक्चुअली हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रूफ भी मिला कि हर जगह पे भी जहाँ पे लोकल टूर्नामेंट चल रहे हैं ओरैंगुटान लीग में फिर से वापस आ चुके हैं। हम कह सकते हैं द ओजी इज आर बैक। तनेजा फिर से आपको इलीट में खेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। यस, तनेजा पहले भी इलीट का हिस्सा रह चुके जब किलर पहाड़ी तनेजा आइकॉनिक साथ में खेला करते थे, तब आरडीपी टीम का हिस्सा नहीं थे, बट अब आरडीपी भी इस टीम का हिस्सा है। अब मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ कि पहाड़ी इस टीम के बाहर है एंड तनेजा को गेम टाइम मिल रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि एफएफसी मोड में ये स्क्वाड मतलब आरडीपी आइकॉनिक किलर एंड तनेजा बहुत ज्यादा फायर पावर से भरपूर है, बट ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन भी यू नो साबित हो सकता है बहुत सारे टीम के लिए अनएक्सपेक्टेड होगा। क्योंकि आप देखिए सब लोग तैयारी कर रहे होंगे पहाड़ी के लिए, सब लोग तैयारी कर रहे होंगे किलर के लिए, बट सब लोग शायद से तनेजा के लिए तैयारी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने तनेजा को और गेमिंग में खेलते देखा, तनेजा को पहले भी खेलते बहुत बार देख चुके हैं। ये कंप्लीट प्लेयर है, ये ग्रेनेड से बहुत कमाल कर सकता है। अगर ये प्लेयर स्क्वाड में आ जाते हैं तो आइकॉनिक को नेडर से अपना आइजिलिंग स्किल्स दिखाने में और ज्यादा हेल्प हो जाता है, बहुत बढ़िया पैकेज साबित हो सकते हैं यहाँ पे तनेजा टीम के लिए, इसीलिए शायद से तनेजा ओपी को मौका मिल रहा है। क्योंकि एफएफसी मोड में 10 मैच मिलने वाले, अब बात करेंगे एफएफसी मोड में, एफएफसी मोड में टोटल 10 मैचेस मिलने वाले हैं गाइस आप लोगों को। 10 मैचेस में आप लोगों को किन्हीं 5 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, मतलब आप समझो कि जिस भी 5 मैच 10 मैचेस में से 5 मैचों में जिस पे सबसे ज्यादा आप स्कोर करोगे वो मैच को अक्यूमुलेट किया जाएगा एंड उस मैचेस के हिसाब से आप लोगों का स्कोर आएगा लीडर बोर्ड में। एंड अगर आप टॉप 42 में आते हो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे क्लोज क्वालिफायर के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप सोच रहे हो कि यार 5 गेम्स में किल्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक टीम को मिनिमम टू मिनिमम 35-40 किल्स भी हम लोगों ने निकालते हुए देख चुके हैं एफएफसी मोड में। दिस इज वेरी नॉर्मल, बहुत लोग यू नो वो बोलते हैं ना कि होल्ड स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, चुपचाप जाकर सेंटर जोन पकड़ लेते हैं, वेट करते हैं, बट इसमें बहुत रिस्क भी होता है। प्लेयर्स को अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को टीम्स नहीं मिला, आप लोगों को फाइट्स लेने में कोई भूल चूक हो गई, पहले ही 2 मैचेस में एलिमिनेट हो गए, प्रेशर आ जाता है। एक तो एफएफआईसी है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टीमों को समझना पड़ेगा। ये सब टीमों पे होने वाला है, ओरैंगुटान लीग के साथ भी होगा, अगर उनको भी टीम नहीं मिला वो भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। बट यू नो हम जानते हैं कि प्लेयर्स के ऊपर सबका भरोसा बहुत ज्यादा है, पहले भी कर चुके हैं, बहुत दिन बाद वापसी कर रहे हैं एफएफसी मोड से, स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों के नो मन में ये चल रही है क्या ये क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए हमारा विश्वास तो है कि ये क्वालिफाई कर सकते हैं, बट यू नो कल किसने देखा, बात ये है प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं भी क्वालिफाई कर सकते, सब कुछ हो सकता है, सारे पॉसिबिलिटीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। एंड स्पेसिफिकली आप लोगों को जो लोग एफएफसी मोड खेल रहे हैं, बस मन में ये विश्वास रखो कि हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं एंड आप लोग बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। सिंपल सी बात है, बहुत हो गई बातचीत, आप लोगों को अब परफॉर्म करके बताना पड़ेगा। मैं ये चीज सब अंडरडॉग्स को बताना चाहता हूँ, सारे उभरते हुए सितारों से एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ही फ्यूचर हो इस कम्युनिटी के। अब एफएफसी मोड में आप लोगों के पास सब कुछ है, आप लोगों ने पूरे साल ग्राइंड किया, पूरे महीने ग्राइंड किया, हर दिन ग्राइंड किया, अब एफएफसी मोड शुरू होने वाला है 11 या 12 तक से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15 या 16 तारीख से शुरू हो रहा है क्लोज क्वालिफायर। आप लोग जरूर से क्लोज क्वालिफायर से देखना चाहिए, क्लोज क्वालिफायर इस बार ऑन स्ट्रीम हो रहा है, एटलीस्ट अगर आप क्लोज क्वालिफायर तक पहुंच जाते हो ना तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों को कोई नहीं जाता है। इसीलिए ये चीज ये वाला एफएफआईसी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऊपर से फर्स्ट पोजीशन पे जो आ रहा है 50 लाख रुपए का प्राइस पूल है, बहुत बड़ा अमाउंट है, पहली बार हो रहा है ये इंडिया में। तो मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, टू ऑल द अंडरडॉग्स, टू ऑल द टीम्स के एफएफसी मोड में जम के तैयारी करो,
जम के फाइट करो, क्योंकि चैंपियंस यहीं पे बनते हैं। जो यहाँ पे गणित हमेशा कहते हैं कि दिस इज वेयर चैंपियंस आर मेड, चैंपियंस यहीं से बनते हैं। तो आप लोग भी अपना तैयारी जोरों शोरों से कर दो, क्योंकि हर टीम कर रहा है ओजी इलीट के ऊपर। तो मैं ऑलरेडी बात बता ही चुका हूँ कि उन लोगों के पास क्या चांसेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जो हर टीम को होता है वही डिसएडवांटेज उनको भी होने वाला है। तो यही भी वीडियो को सॉल्व करना चाहेंगे। आई होप कि आप लोगों को मजा आया। अगर मजा आया तो पहले तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत ज्यादा बात आ चुके 11.5 के सब्सक्राइबर्स के। मिलता है गाइस के साथ।